आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर, उमराह पर जाने वाले यात्रियों के साथ हुआ बड़ा हादसा। यात्रियों को ले जा रही बस पुल से टकराई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुल से टकराने पर बस में आग लग गई। आग में झुलसने से करीब 20 लोगों की मौत हो गई है और 24 लोग हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर, उमराह पर जाने वाले यात्रियों के साथ बड़ा हादसा हो गया है। यात्रियों को ले जा रही बस पुल से टकरा गई और इसके बाद करीब 20 लोगों की मौत हो गई है हादसे में और 24 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। ये वीडियो देखने का मकसद बहुत क्लियर है। कल या परसों मैंने आपको एक वीडियो डाली थी और परमेश्वर ने आवाज़ देके कहा था कि ये समझा कि घटनाएं बहुत होने वाली है और हर तरह से संकट, बड़े बड़े संकट आने वाले हैं और ये उसी संकट का एक हिस्सा है मेरे से। तो अभी शुरुआत है, अभी प्रभु ने बता रखा है कि आने वाले टाइम में बहुत संकट आने वाले है। हमें और आपको तैयार रहना है। ये भविष्यवाणियाँ परमेश्वर मुँह से निकलते ही, चाहे वो नाम वाली भविष्यवाणी हो चाहे कोई भी हो, पूरी कर रहे। हालेलुया, ये परमेश्वर का इतना बड़ा अभिषेक है, इतना अनुग्रह है मेरे जीवन। ये परमेश्वर की ही वाणी है जो हर एक भविष्यवाणी को पूरा कर रहे हैं। प्रभु संकट नहीं चाहते, लेकिन वो पहले बता देते हैं ताकि हम और आप सेफ रह सके, प्रार्थना कर सके। परमेश्वर ने जैसा जैसा बताया है आज तक वैसा ही हुआ है। परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि वाक्य में परमेश्वर अपने दासों को सारी बातें बता देते हैं जिससे कि हम प्रार्थना कर सके और आने की घटना से बच जाए। तो परमेश्वर बता रखा है भारत को लेकर भी और पूरी दुनिया को लेकर भी क्या क्या चिन्ह होने वाले हैं। तो मेरे अजय, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बस प्रार्थना देखते रहे और परमेश्वर का भय मानते हुए आगे बढ़े। परमेश्वर हमारे साथ है, डरे नहीं। बस जितनी भविष्यवाणी आती है उस पर दया की प्रार्थना करें और हर एक भविष्यवाणी को सुनना, ग्रहण करना, जो ब्लेसिंग की हो। यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।